सो गाइज़ यार कुछ इस टाइप का जो रील्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर और भाई आप लोगों को इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता हुआ मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइज़ इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिस पर यार बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिखाया और वहाँ पर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा। तो जहाँ पर मेरे यूट्यूब वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए थे अपने नाम के जो कि वो लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए ही फ़िलहाल वीडियो है और आप लोगों के लिए भी है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करना, आप लोगों की जो रील्स वगैरह है नाम की वो मैं आप लोगों को बना के अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा। सबसे पहले आप लोगों को सिखा देते हैं कि आप लोगों को किस टाइप से क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्रोम में सर्च करना है इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगा और इसमें आप लोगों का बिंग में सबका ही अकाउंट होगा, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है आप लोगों का, यहाँ पर सिंपल सा मैं जो फॉन्ट दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास कुणाल पंडित के नाम से आया था, ठीक है, जो कि कमेंट्स आया था मेरे वीडियो पर, तो मैं यहाँ पर उस बंदे की वीडियो जो है वो क्रिएट करूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैं एज क्रिएट कर देता हूँ। अब भाई सामने वाले बंदे का मुझे एज नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैं सिर्फ उनके नाम का ही बना देता हूँ यहाँ पर फॉन्ट, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है आप लोगों को फॉन्ट पर क्लिक करके, और आप लोगों को नाम अपना चेंज कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना नाम चेंज करना है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी इमेज निकल ही आए हैं, मुझे इसमें से कोई इमेज पसंद होगा तो मैं यहाँ पर पसंद डाउनलोड कर लूँगा, नहीं पसंद होगा तो मैं क्रिएट पर दोबारा से क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर कुछ इमेज और निकल के आ जाते हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मुझे एक पसंद आएगा तो मैं इस पर टैप करूँगा, ठीक है ना, एंड उसको डाउनलोड कर लूँगा। बट यहाँ पर मुझे देख सकते हो यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से नहीं शो कर रहा, ठीक है, तो मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पर और आप लोगों को दिखा देते हैं जहाँ पर मैं और भी अलग अलग नाम के बना के दिखाया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लो, आप लोगों के नाम से होगा तो आप लोग टेलीग्राम से उठा लेना, नहीं तो आप लोग मुझे क्या करना है कि कमेंट्स करना इस वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को अपने आपके नाम का टेलीग्राम पर बना के दे दूंगा, ठीक है। आप लोग अपना कमेंट्स कीजिएगा, आप लोग एक घंटे के अंदर आप लोगों के नाम का रील्स मेरे टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसकी फोटो डाउनलोड कर लिया, अब यहाँ पर मैं राज नाम को बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो राज, एंड यहाँ पर मुझे एक पसंद आएगा तो ठीक है मैं करूँगा, नहीं तो क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। एंड जितने भी मुझे तीन नाम के इमेज हमें यहाँ पर डाउनलोड करने हैं तो देख सकते हो ये वाला मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, राज नाम का। अब यहाँ पर मुझे हो चुका है तीन मैंने फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा जो है यहाँ पर अजीत नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम देख लिया हूँ कि नाम अजीत से है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा अजीत, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ AZEET, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ सिंपल से। यहाँ पर जब क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक नाम आ जाएगा और यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखो इसके आगे आप लोगों को क्या करना है कि अजीत नाम का जो है वो मुझे मालूम नहीं है उनकी एज वगैरह, तो मैं यही अपना फॉन्ट यूज करता हूँ, मतलब AI इमेज। अब आप लोगों को किसी भी एप्लीकेशन को खोल लेना है जो कि आप लोगों का VN एप्लीकेशन में मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग इनशॉट और आप लोग कैपकट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पर देख सकते हो प्लस आइकन पर एंड न्यू प्रोजेक्ट पर आप लोगों का एक इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ध्यान से देखना जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करके आप लोगों को ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा काम क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पर ओरिजिनल में क्लिक करना है आप लोगों को और टिकटॉक रेशियो में कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों की सेटिंग सब जगह मिल जाएगी टिकटॉक रेशियो की। अभी आप लोगों के वीडियो का लेंथ बढ़ा देना है, आप लोगों का वीडियो का लेंथ होगा 3 सेकंड तो यहाँ पर कम से कम 12 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं 12 सेकंड का कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि नीचे साइड आप लोगों को दिख रहा है उसको आप लोगों को नीचे साइड दिख रहा हो उस लोग उनको आप लोग स्लाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को BG ढूंढना, ठीक है, यहाँ पर भी देखो BG मिल जाएगा, BG में क्लिक कर मैं इमेज में क्लिक करना और यहाँ पर आप लोगों को इसको कम से कम 10 कर देना, ठीक है। 10 करने के बाद आप लोगों को यस करना है, ठीक है, यहाँ पर 10 कर लिया, अब यहाँ पर यस कर देना, ओके, सिंपल सा। यस करने के बाद इस फोटो को आप लोगों को छोटा करना है तो टैप करना और इसको दोनों हाथों से छोटा कर देना। छोटा करने के बाद आप लोगों को इसमें बॉर्डर देना है, ठीक है, तो बॉर्डर करने के लिए बॉर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक में जाना है या वाइट में जाना है और वहाँ पर 2 कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बॉर्डर लग जाएगा। अब यहाँ सिंपल से यस करते हैं, इस करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोगों को चलो इसको रील्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो रील्स में कन्वर्ट कर देंगे आप लोगों को, वो तीनों वीडियो जो मैंने बनाई है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को VPN खोलना है, सबसे पहले तो आप लोग VPN खोल लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है VPN खोलने के लिए,
ठीक, यहाँ पर वीपीएन खोल लेते हैं और ये वीपीएन खुल चुका है। अब आप लोगों को इसके आगे क्या करना है कि वीपीएन खोलने के बाद आप लोगों को जाना है अपने क्रोम में और यहाँ पर सर्च करना है कैप का टेम्पलेट। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोगों को कैप का टेम्पलेट यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर देखो ये वाला है थीलिंग हाईलैंड, यहाँ पर हीलिंग थाईलैंड कैप का टेम्पलेट होगा, वो भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसी वाले आप लोगों को कैप का टेम्पलेट को ढूंढना है। ठीक है, सिंपल सा आप लोग ढूंढ लेना, थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी बट आप लोगों को ढूंढ सकते हो। ठीक है ना, हीलिंग थाईलैंड कैप का टेम्पलेट लिखोगे तभी भी आ जाएगा सिंपल डायरेक्ट से, नहीं तो आप लोग कैप का टेम्पलेट करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी इस तरीके का आप लोगों को होगा लिखा होगा हीलिंग थाईलैंड टेम्पलेट, उस पर आप लोगों को क्लिक करना। देखो यहाँ पर 419 मिलियन व्यू इस पर रील्स बन चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा, तो सिंपल से आप लोग उस पर क्लिक करना और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर यूज़ टेम्पलेट पर, ठीक है, यहाँ पर यूज़ टेम्पलेट पर जो वीडियो आप लोगों ने क्रिएट किया उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ क्रिएट किया और यहाँ पर ऐड किया, अब यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट करने बाद यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगेगी जल्दी जल्दी से यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई होप आप लोग 50 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कराओ, एंड मैं इंतजार करूँगा गाइस आप लोगों के 1 सब्सक्राइबर का। आप लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर सकते हो और मुझे मोटिवेट कर सकते हो, जहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एकदम उत्सुक रहूँ। और आप लोग कमेंट्स करना जरूर गाइस, बताना जरूर कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, समझ आया कि नहीं, और मुझे इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है मेरी वीडियो में, एंड आप लोगों से ही मैं सीख सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मैंने ये तीनों वीडियो एक साथ क्रिएट कर लिया है एक करके, और आप लोगों को ये तीनों वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा जहाँ पर मेरे पास कमेंट्स आए थे। ठीक है, और आप लोग और भी रील्स बनाना चाहते हो तो दोनों वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर इस टाइप का आप लोग रील्स भी क्रिएट कर सकते हो। चलिए गाइस, आइए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो गाइस चलिए ये वीडियो भी आप लोग देखते रहो।